Okay, G, now is the page 31. It says the balance in the ecosystem can also be upset by natural disasters like storms, floods, famines and droughts. जो इकोसिस्टम जो है इसमें कई दफ़ा तो किसी जानदार की गड़बड़ की वजह से हो सकता है ना, मगर कई दफ़ा एक कुदरती तौर पे नेचुरल डिजास्टर्स कुदरती आफात जो है ना उनकी वजह से भी हो सकता है, लाइक स्टॉर्म्स, फ्लड्स, फेमाइंस एंड ड्राउट्स. अब पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल डिजास्टर क्या होता है. नेचुरल डिजास्टर मीन्स समथिंग कॉज्ड बाय नेचर एंड नॉट बाय ह्यूमन बींग्स. नेचुरल डिजास्टर क्या होते हैं कि दे आर द डिजास्टर्स विच आर नॉट कॉज्ड बाई ह्यूमन बींग और एनी अदर लिविंग बींग बट दे आर कॉज्ड बाई द नेचर. अच्छा, फेमाइंस क्या होते हैं? स्कार्सिटी ऑफ फूड. स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, खाने की कमी हो जाए, बहुत कमी हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, फेमाइन या कहत. ठीक है. ड्राउट्स, शॉर्टेज ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ड्राउट क्या होता है? खुश्की. खुश्की हो जाए किस वजह से? पानी खुशक हो जाए कि आपके अगर बहुत अरसे तक पानी नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाएगी. शॉर्टेज ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ नो रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ज़्यादा अरसे के लिए अगर आपके आप किसी जगह पर बारिश नहीं होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राउट की कंडीशन हो जाएगी. ड्राउट मीन्स शॉर्टेज ऑफ वाटर. ठीक है. अब आ जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इकोसिस्टम. मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. दीज चेंजेस कैन अपसेट द नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम्स. मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. इंसानों की बहुत सारी आदतें ऐसी हैं, ऐसे काम हैं जो कि आबो हवा को या एनवायरनमेंट को खराब कर देते हैं. दीज चेंजेस कैन अपसेट द नेचुरल बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम. इसकी वजह से ना, इनकी इन आदतों की वजह से, इंसानों की कुछ गलत आदतों की वजह से इकोसिस्टम सारे गड़बड़ हो जाते हैं. डीफॉरेस्टेशन. डीफॉरेस्टेशन क्या होती है? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन ए फॉरेस्ट. डीफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन ऑन ए लार्ज स्केल. अभी देखिए, यहाँ पर बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे, ये किसी ने दरख्त काट 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 के बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं यहाँ पर. डीफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. यानी बहुत ज़्यादा अगर आपने काट काट के ख़त्म ही कर दिए दरख्त तो इसको बोलते हैं डीफॉरेस्टेशन. ठीक है. ओवर ग्रेजिंग ऑफ कैटल इज अनदर प्रैक्टिस दैट डिस्ट्रॉयज ग्रास, श्रब्स एंड प्लांट्स. अब ये देखिए ना, यहाँ पर एक मैदान है, बिल्कुल मट्टी मट्टी रह गई है, इन जानवरों ने सारा घास खा लिया है, इसको क्या बोलेंगे, ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग की क्या डेफिनेशन है? कैटल एंड अदर एनिमल्स फीडिंग इन एक्सेस ऑन वेजिटेरियन वेजिटेशन विदाउट गिविंग इट टाइम टू रिकवर. यानी वो उसको किसी पौधों को उगने ही ना दें और पहले ही खाना शुरू कर दें तो इसको उससे क्या गड़बड़ कर देंगे, वो ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी. इसको बोलेंगे ओवर ग्रेजिंग. ओवर ग्रेजिंग इज वॉट? कैटल एंड अदर एनिमल्स फीडिंग इन एक्सेस ऑन वेजिटेशन विदाउट गिविंग इट टाइम टू रिकवर. अगर तो ये हो ना, पौधे बड़े हों, उनको पूरा थोड़ा सा खा जाएं, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा बड़े हो जाएं तो फिर खा लें, फिर तो ठीक है. बट अगर वो उसको टाइम दिए बगैर ही खाते जाएंगे तो वो तो पौधे ही खत्म हो जाएंगे. इंडस्ट्रीज की बर्निंग फ्यूल्स एंड एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक स्मोक, डस्ट एंड गैसेस टू द एयर. इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, जो हमारी सनतें हैं, फैक्ट्रियाँ जो होती हैं, वो क्या करती हैं, वो फ्यूल और जो है ना, वो फ्यूल को जलाती हैं जब, ठीक है ना, ईंधन को जलाती हैं तो क्या होता है, वो स्मोक, डस्ट और गैसेस जो है ना हवा में भर देती हैं. इससे हवा हमारी ख़राब हो जाती है. हवा छीनी होगी तो क्या हो, ये ना सिर्फ जानवरों पे फ़र्क पड़ेगा बल्कि पौधों पे भी फ़र्क पड़ेगा और फिर सारा हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. पोल्यूटेड वाटर कंटेमिनेटिंग हार्मफुल केमिकल्स एंड अदर सब्सटेंसेस इज डिस्चार्ज इनटू
discharged into rivers and streams. Polluted water containing harmful chemicals and other substances is discharged into rivers and animals, rivers and streams. अब क्या गड़बड़ करते हैं इंसान, कई कैसा करते हैं, गंदा पानी जिसमें तेल और बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए होते हैं वो पानी की नदियों में फेंकते रहते हैं, दरियाओं में फेंकते रहते हैं, जिससे तमाम दरिया जो है वो क्या होते हैं, आलूदा हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं. ऑयल फ्रॉम शिप्स इज रिलीज्ड इनटू ओशंस सीरियसली अफेक्टिंग दी एक्वेटिक लाइफ. अब ये देखें, पानी है, समुंदर का किनारा है, यहाँ पर ऑयल इतना सारा किसी शिप ने फेंक दिया है, ठीक है, उससे क्या हुआ कि जो एक्वेटिक लाइफ है यानी जो पानी में रहने वाली जिंदा चीज़ें हैं, पूरी फूड चेन है, वो गड़बड़ कर जाएगी, ठीक है. एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स फ्लोज इनटू वाटर बॉडीज पोल्यूटिंग देम. अच्छा, बहुत जो फर्टिलाइजर क्या होती है, चलें इसको पहले पढ़ लेते हैं. फर्टिलाइजर इज अ केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस एडेड टू अ सॉइल टू सप्लाई इट विद मोर न्यूट्रिएंट्स. जो खादें होती हैं ना, जो जमीनों में डाली जाती हैं, वो उनको बोलते हैं फर्टिलाइजर्स. अगर उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ना, तो वो क्या होता है कि वो फिर गंद जो होता है ना उनके बीच में, वो जो पानी के ज़खीरे होते हैं उनको ख़राब कर देता है जाके, ठीक है. सो फर्टिलाइजर ज़रूरी नहीं कि केमिकल हों, जो कई दफ़ा बायो फर्टिलाइजर्स होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा अगर इस्तेमाल करें तो फिर बारिशें जब आती हैं तो वो सारा उसको बहा के पानी में ले जाती हैं और पानी सारा ख़राब हो जाता है. ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग आर दी अदर प्रैक्टिसेस दैट अपसेट द बैलेंस इन इकोसिस्टम. ओवर हंटिंग क्या होती है? ओवर हंटिंग मीन्स कि हंटिंग इन एक्सेस दैट कॉजेज अ ग्रेट डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एन एनिमल. ओवर हंटिंग उसी तरह ही है ना, जैसे जानवर पौधों को उगने ही न दें और उनको सारे खाई जाएं, इस तरह ओवर हंटिंग हम जानवरों को बड़ा होने न दें, हम छोटे बड़े तमाम जानवरों को मारते रहें तो वो बेचारे वो जानवर तो ख़त्म ही हो जाएंगे. और ओवर फिशिंग इसी तरह हम बहुत ज़्यादा नेट डाल डाल के फिश पकड़ते रहें तो फिश भी बेचारी ख़त्म होने के लग जाएगी, ठीक है. सो ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग आर अदर प्रैक्टिसेस दैट अपसेट द बैलेंस इन अ इकोसिस्टम, ठीक है जी. ये हमने वोकैबुलरी भी पढ़ ली है, फर्टिलाइजर, ओवर हंटिंग, ओवर फिशिंग, ये आपने अपनी नोटबुक में लिख लेनी है और आपको बार बार इसको देखते रहा करें ताकि आपको ये लफ्ज़ याद हो जाए कि व्हाट इज मेंट बाय फर्टिलाइजर, व्हाट इज मेंट बाय ओवर हंटिंग एंड व्हाट इज मेंट बाय ओवर फिशिंग. ये वोकैबुलरी वाले वर्ड्स होते हैं आपने हमेशा अपनी बुक पे नोट करने होते हैं टॉप पे, और आपने उसके साथ डेफिनेशन भी लिखनी होती है, उसको बार बार रिपीट करते रहना होता है ताकि आपको ये याद रहे. फाइंड आउट मोर अबाउट हाउ ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग अपसेट फूड चेन्स एंड द बैलेंस इन इकोसिस्टम्स, ठीक है. अब आपने सोचना है कि जी अगर हम ओवर हंटिंग करेंगे और हम गड़बड़ कर देंगे, फिश बहुत ज़्यादा पकड़ लेंगे तो क्या होगा, आपको समझ आ रही क्या होगा, ये ज़रा सोचें. आप कोशिश करें, कुछ पॉइंट्स बनाएं, टीचर से डिस्कस करें, अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो यू कैन आस्क मी, ठीक है जी. थिंक अबाउट इट, वी कैन प्रोटेक्ट इकोसिस्टम्स बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, यूजिंग क्लीनर सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स एंड डिक्रीजिंग द यूज ऑफ केमिकल्स. डिस्कस एज ए क्लास हाउ यू कैन पर्सनली सपोर्ट दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज टू प्रोटेक्ट इकोसिस्टम. देखें, ये बहुत अच्छी बात की गई है. क्या की गई है कि वी कैन प्रोटेक्ट इकोसिस्टम्स, हम अपने इकोसिस्टम्स की हिफाजत कर सकते हैं बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, अगर हम ज़्यादा दरख्त उगाएं, यूजिंग क्लीनर सोर्सेज ऑफ फ्यूल एंड डिक्रीजिंग द यूज ऑफ केमिकल्स. यूजिंग क्लीनर सोर्स ऑफ फ्यूल्स, हम नस्बतन साफ वाले जो फ्यूल हैं, जो जलाने की चीज़ें, उनको इस्तेमाल करें जो कम से कम धुआं या गद्दी गैसें पैदा करें. एंड डिक्रीजिंग द यूज़ ऑफ केमिकल्स, और केमिकल्स का इस्तेमाल करना फसलों में बंद कर दें. डिस्कस एज ए क्लास, आपने एज ए क्लास डिस्कस करना है कि आप ज़ाती तौर पे कैसे अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ये एक आपको हिंट दिया हुआ है कि यू कैन डू इट बाय प्लांटिंग अ ट्री,
planting a tree. This is the best way to protect your ecosystem.